दोस्तों, आज हम CGPPHT 2023 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके संभावित उत्तर देखेंगे। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और यह सेट एक का प्रश्न पत्र है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन रूपांतरित करता है? पराबैंगनी विकिरण, सौर विकिरण, आयनकारी विकिरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर कशेरुकियों में प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं कोशिकाओं एवं अन्य की कोशिकाओं में अंतर कर सकता है, यदि वह गुण अनुवांशिक असमानता या विकृति के कारण खो जाए एवं वह स्वयं की कोशिकाओं पर आक्रमण करे तो इससे होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतः प्रतिरक्षण रोग। निम्न में से किसके कारण गर्भाशय के अंतःस्थ एपिथेलियल ग्रंथियां और संयोजी ऊतक टूट जाते हैं? एस्ट्रोजन की कमी, प्रोजेस्टेरॉन की कमी, FSH की कमी या FSH की अधिकता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराकन किस अवस्था में मुक्त होते हैं? एक कोश की अवस्था, द्वि कोश की अवस्था, तीन कोश की अवस्था, दो या तीन कोश की अवस्था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दो या तीन कोश की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैवाल मनुष्य में रोग उत्पादक होता है? एकैंथोपेल्टिस, सिफेल्यूरास, क्लोरेला, प्रोटोथीका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटोथीका। नेक्स्ट है, जैव झिल्लियों में समानता पाया जाने वाला लिपिड का प्रकार है? लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, सिफेलिन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरणीय रूप से अक्रिय सूक्ष्मजीव का उदाहरण है? नॉस्टाक, बैक्टीरिया, कवक, माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग मानवों में मृत्यु का मुख्य कारण होता है? कैंसर, एड्स, अस्थमा, टाइफाइड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोगी कार्बनिक अम्ल है? बेंजोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सार्बिक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, दी गई खाद्य श्रृंखला का प्रकार कौन सा है? मृत जीव, ब्लोफ्लाई मैगॉट, मैगॉट, मेढक, सांप। तो ऑप्शन है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला, डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला और अपघटक खाद्य श्रृंखला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन है यकृत का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, डीएनए का एक भाग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए का एक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य त्वचा से प्राप्त होने वाला अत्यधिक व्यावसायिक महत्व वाला रेशा है? फ्लैक्स, हेम, कॉयर, कपास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है जीनोटाइप में परिवर्तन, फिनोटाइप में परिवर्तन, उपापचय में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं स्तनियों के वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है? अंतराली कोशिकाएं, लीडिक कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, दोनों ए तथा बी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्टोली कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिकाएं आपस में किससे जुड़ी होती है? प्लाज्मोडेस्मेटा, मध्य लैमेली, डेस्मोसोम, प्लाज्मा झिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेस्मोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत बीजों का भ्रूणपोष होता है द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, चतुर्गुणित। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अगुणित। नेक्स्ट है, चिलगोजा नामक प्रसिद्ध शुष्क फल किससे प्राप्त होता है? पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस जेरार्डियाना, पाइनस सिल्वेस्टिस, पाइनस मोनोफाइला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइनस जेरार्डियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? कुल, गण, जाति, वंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाति। नेक्स्ट है, किस स्थिति में जीन प्रारूप अनुपात एवं लक्षण प्रारूप अनुपात समान होता है? पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, एपिस्टेसिस, अधिक के प्रभाविता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वर्णांधता पैदा करने वाले जीन स्थित होता है वाई गुण सूत्र पर, एक्स गुण सूत्र पर, दोनों एक्स और वाई गुण सूत्र पर, या एक्स अथवा वाई गुण सूत्र पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स गुण सूत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है कॉर्डेट्स में, एनिलिड्स में, मोलस्का में, ये सभी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ए एम पौधों का उदाहरण है अनानास, नारियल, कीवी, आम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक जैव विकास के प्रायोगिक प्रमाण किसके द्वारा दिए गए थे? मिलर, ओपेरिन, हेल्डेन, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर प्रभाव क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CO2 के आंशिक दाब के स्तर में वृद्धि या pH मान में कमी O2 की हीमोग्लोबिन के लिए बंधुता को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों द्वारा संचारित होने वाली बीमारियों का समूह है टाइफाइड, पीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, या मम्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, या स्केबीज, रिंगवर्म, स्वाइन फ्लू, या फिर मलेरिया, फाइलेरिया, येलो ज्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मलेरिया, फाइलेरिया और येलो ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव जैसा होमिनिड कहा जाता है नियंडरथल मानव, होमो हैबिलिस, डायोपिथेकस, होमो इरेक्टस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, होमो हैबिलिस। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी या 23 जोड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकाओं को पाचक थैली के नाम से जाना जाता है? राइबोसोम, पराक्सिसोम, लाइसोसोम या डिक्टियोसोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट है, ए बी ओ और आर एच ब्लड ग्रुप के एंटीजन मौजूद होते हैं प्लाज्मा में, श्वेत रक्त कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में, प्लेटलेट्स में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एंजाइम है पीईपी कार्बोक्सिलेस, बीटा एमाइलेस, पार्विक काइनेस, आरयूडीपी कार्बोक्सिलेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पीईपी कार्बोक्सिलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्फिया सर्पेंटाइना का औषधीय रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है वायवी तना, पत्तियां, जड़े, फल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहतूत रेशम कीट है बॉम्बेक्स मोरी, अंथेराई माइलिटा, अंथेराई अस्मेंसिस, अटैकस एल्टस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉम्बिक्स मोरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संग एनिलिडा में आते हैं? हिरुडिनेरिया, नेरिस, उचिनेरिया, केचुआ एफ्रोडाइट या पाइला, हेरिटिमा ट्यूबिफेक्स व नेरिस, या एप्लेसिया नेरिस और डेंटेलियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेरिटिमा ट्यूबिफेक्स और नेरिस। नेक्स्ट है, समान लक्षण वालों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कुल, वर्ग, वंश और जाति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुफ्फुसी परिसंचरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दयानिलय से अनाक्षकृत रुधिर फेफड़े में जाता है और फेफड़े से आक्षकृत रुधिर जो होता है वो बाएं आलिंद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्प्रेरक है? एलएचडी, कोकीन, ओपियम या हेरोइन।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोकेन। समसूत्री उपकरण के संगठक कौन कौन से हैं? एस्टर तर्कुतंतु, क्रोमेटिड सेंट्रोसोम, काइनेटोकोर सेंट्रोसोम, क्रोमेटिड तर्कुतंतु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस्टर तर्कुतंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के अंकुर में स्थित एक बड़ी लसिका वाहिनी है क्रिप्ट, लैक्टियस, पियर पैचेस, करकरिंग का वाल्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होने के लिए आवश्यक तत्व है बोरॉन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बोरॉन मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में, सहकारक के रूप में कार्य करके, शर्करा के स्थानांतरण में, श्वसन में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शर्करा के स्थानांतरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणकोष में फिलिपाम उपकरण का कार्य होता है स्टिग्मा पर समुचित परागकण की पहचान करना, भ्रूणकोष में परागनलिका के प्रवेश की प्रक्रिया को गाइड करना, नेक्टर उत्पादन करना, जनन कोशिका के विभाजन को उद्दीप्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भ्रूणकोष में परागनलिका के प्रवेश की प्रक्रिया को गाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव तकनीकी रूप से निर्मित दो विटामिन है विटामिन B6 एवं B12, विटामिन B2 एवं B12, विटामिन B2 एवं B6, विटामिन B4 और B12। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B2 एवं B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की समजातता एवं विषमजातता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परीक्षण संकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म चुनिए, उंगली समान प्रक्षेप झालर, अंडवाहिनी का सकरा भाग तुम्बिका, गर्भाशय से जुड़ा हुआ अंडवाहिनी का भाग संकीर्ण पथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंडवाहिनी का सकरा भाग तुम्बिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहां पर उपस्थित जीनों के लिए सही होता है? एक ही गुणसूत्र पर, बाह्य नाप के अनुवांशिक तत्व पर, असमजात गुणसूत्र पर, समजात गुणसूत्र पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समजात गुणसूत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाबिनॉइड प्राप्त किए जाते हैं कैनाबिस सैटिवा पौधे के पुष्पक्रम से, पेपावर स्वप्निफेरन पौधे के फलों से, कैनाबिस सैटिवा पौधे के लेटेक्स से, या पेपावर स्वप्निफेरन पौधे के पुष्पक्रम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैनाबिस सैटिवा पौधे के पुष्पक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्रभाविता एवं बहु एलीलता प्रकार की जीन अंतरक्रिया का उदाहरण है रक्त समूह, हस्याकार कोशिका रक्ताल्पता, पुष्पों का रंग, वर्णांधता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड हर्शे एवं मार्था चेस ने किसका उपयोग करके सिद्ध किया कि DNA अनुवांशिक पदार्थ होता है? विष्याफेबा, बैक्टीरियोफेज, साइनोफेज, एसिटाबुलेरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी, एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एपिस डॉर्सेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICZN का अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामिंग क्लेचर।